सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हो मीटो। फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बताया था कि कैसे आप लोग फ्री में आईपीएल देख सकते हो। तो उसमें एक एप्लीकेशन के बारे में मैंने बात की थी, जो एप्लीकेशन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया था उस वीडियो में। तो क्या हुआ, किसी भी बहुत सारा ऐसा व्यूअर्स का कमेंट आया कि उनको वो प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है थ्रू, अगर लिंक के थ्रू भी जा रहे हैं और साथ ही साथ वो अगर सर्च कर रहा है प्ले स्टोर में तब भी वो उनको नहीं मिल रहा है। और अगर जिनको वो प्ले स्टोर में मिल रहा है वो डाउनलोड भी कर चुका है, बताया मुझे कमेंट्स में मिला कि वो आईपीएल देख नहीं पा रहे। और ऐसा भी व्यूअर्स है जिन्होंने मुझे बोला कि जो ऐप्स है ऐप्स बहुत अच्छा है और वो आईपीएल देख पा रहे हैं फ्री में, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैंने सोचा कि जिन जिन व्यूअर्स को वो आईपीएल देख नहीं पा रहे या फिर उनका जो एप्लीकेशन है वो मिल नहीं रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कल रात बहुत सर्च किया, बहुत गूगल किया, तो मुझे ये एप्लीकेशन मुझे मिला, ठीक है। तो वो क्या एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, उससे पहले बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन अभी मैं बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, उसको डाउनलोड करना पड़ता है ब्राउज़र से। तो वो जो डाउनलोडिंग प्रोसेस है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उस एप्लीकेशन को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं अपने वीडियो में डाउनलोड कैसे करते हो उसको अपने मोबाइल स्क्रीन में जाके करके दिखाने वाला हूँ, डाउनलोड करके मैं उसको रन करके भी दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल पे स्क्रीन पे आ जाने के बाद आपको ब्राउज़र कोई भी खोल लेना है या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो उस एप्लीकेशन का, तो उसमें क्लिक कर देना है। सीधे सीधे आप इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, तो इसको कॉपी करके पेस्ट करके अपने ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया, इस एप्लीकेशन को सर्च किया, ठीक है। तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आपको वेबसाइट मिलेगा, इसको आपको अलाउ करवा देना है, ठीक है। तो जब आप इसको अलाउ करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कैप्चा वेरीफाई करके। तो यहाँ पे आई एम नॉट रॉबर्ट इसमें क्लिक कर देना है, तो आपका जो कैप्चा पूछा जाएगा वो कैप्चा आपको डाल देना है और आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, तो आपको इसमें क्लिक कर देना। तो आपको पॉपअप मिलेगा तो पॉपअप को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 10 सेकेंड वेट करना है। तो 10 सेकेंड वेट करने के बाद आपको क्या होगा, और एक कंटिन्यू करने के लिए बटन दे देगा, तो उसमें कंटिन्यू में क्लिक कर देना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो 0 सेकेंड हो चुका है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गेट लिंक लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो पॉपअप मिलेगा, तो पॉपअप को ऑफ कर देना, तो आपको फाइल अपलोड इसमें आपको आ जाएंगे इस वेबसाइट में। इस जो ऐड है इसको स्किप कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैप्चा हम कैसे वेरीफाई करेंगे वो देखें, यहाँ पे अलाउ कर देना है इसको, जितना भी एडवर्टाइज आया वो स्किप करना है, और पॉपअप आया तो इसको आपको ऑफ कर देना, ठीक है। तो फ्री डाउनलोड में आप जब भी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको फिर से कैप्चा के लिए पूछा जाएगा। फ्री डाउनलोड में क्लिक करने के बाद कैप्चा के लिए पूछा जाएगा, और उससे पहले आपको ऐड दिया जाता है, तो ऐड को आपको स्किप कर देना है, ठीक है। जब भी आपको ऐड दिया जाए स्किप कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और यहाँ पे लिंक दिखाएगा एंड आई एम नॉट रॉबर्ट, इसमें क्लिक कर देना है, कैप्चा वेरीफाई करना, ठीक है। तो कैप्चा वेरीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट डाउनलोड लिंक लिखा हुआ है, देखिए क्रिएट डाउनलोड लिंक, इसमें आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट डाउनलोड लिंक में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको डाउनलोडेबल लिंक आपको यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, तो आपको क्या करना है इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो डाउनलोडिंग होगा वो शुरू हो जाएगा, पॉपअप को आपको ऑफ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो चुका है, ये 17 MB का है। इसको अगर आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप दूसरे वेबसाइट में भी सर्च करो वो आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन मैंने जो वेबसाइट बताया, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे। तो होम बटन में क्लिक करके मैं क्या करूँगा, अभी जाऊँगा फाइल मैनेजर में, यहाँ पे देखिए थोप टीवी करके लिखा हुआ है, थोप टीवी इसका नाम है, एप्लीकेशन का नाम है थोप टीवी। तो इसको आपको इंस्टॉल कर देना है अपने फ़ोन में, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा स्कैनिंग हो चुका है, स्कैन हो रहा है मेरा एप्लीकेशन जो वो सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो आपको स्कैन कर लेने के बाद, MI का फ़ोन है तो स्कैन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको देखिए मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है और इंस्टॉल भी कर चुका हूँ मैं। उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन कर देना, देखिए यहाँ पे थोप टीवी लिखा हुआ है, इसमें हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते समय आपको डाउनलोड मतलब अपलोड अपडेट नाउ करके भी आ सकता है, अगर न्यू वर्जन आपको डाउनलोड करना होगा अगर आपको अपडेट मिलता है। तो मैंने इसको डाउनलोड अपडेट कर लिया, उसके बाद मैं फिर से इसको इंस्टॉल करूंगा, तो मैंने जो अपडेट किया वो अपडेट फिर से इंस्टॉल हो जाएगा मेरा फ़ोन पे। तो इस तरह का आपको अलाउ करवा देना है, अगर आपको नोटिफिकेशन देता है कि अपना फ़ोन में इसको अलाउ करना, तो आपको अलाउ कर देना है, वो बिल्कुल सेफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको इंस्टॉल कर देना है। फिर से इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को फिर
से ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्कैन फिर से दोबारा से स्कैन होगा, अगर आपका फ़ोन में स्कैनर है तो स्कैन हो जाने के बाद आपको फिर से आप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। देखिए मैं इसको अपने दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो टॉप टीवी में क्लिक करूँगा तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा टॉप टीवी इस तरह का करके, और यहाँ पर मैं मैच भी प्ले करके दिखाऊँगा। तो मैच में 30 सेकंड से ऊपर नहीं दिखा सकता, ठीक है, तो कॉपीराइट नहीं आ सकता है इसीलिए। तो यहाँ पे लाइव टीवी आईपीएल लाइव टीवी रीजन ऑल लिखा हुआ, इसमें क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे ब्राउज करेगा और सबसे ऊपर में देखिए लिखा हुआ कि किंग्स इलेवन पंजाब एंड आरसीबी, जो कि आज का मैच है तो मैच में अभी आपको प्ले करके दिखाऊंगा, और वो जो इंडिया और दूसरे दूसरे लैंग्वेज में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो पहला वाला है जो हिंदी में, उसमें हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो मैच है वो यहाँ पे बफर हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 सेकंड आपको दिखाऊंगा वो वीडियो, नहीं तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किंग्स इलेवन पंजाब एंड राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा है, ठीक है। तो इतना ही मैं मैच दिखा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैच आपको नहीं दिखा सकता ताकि मैं कॉपीराइट भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ। तो इस तरह से देखिए हम लोग एप्लीकेशन को टॉप टीवी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके क्या कर सकते हैं, हम लोग इजीली अपना आईपीएल फ्री में देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके क्या कर सकते हैं, हम लोग आईपीएल लाइव देख सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री में। और फिर भी अगर डाउनलोडिंग में या फिर आप आईपीएल वॉच करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन अगले वीडियो में दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना है। फ्रेंड्स, आप मुझे अपने इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक दिया हूँ, उस पर आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपको पूरा डिटेल्स इसी तरह के वीडियो के रिलेटेड आपको इंस्टाग्राम में एंड साथ ही साथ टेलीग्राम में नोटिफाई करता रहूंगा और अपडेट भी देता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।